नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सतत शिक्षा विद्यालय, प्रमाण पत्र कार्यक्रम, खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र, CFN, CFN3 भोजन में अर्थशास्त्र, BLOCK3 संरक्षण, सुरक्षा और उपभोक्ता शिक्षण, इकाई 9 खाद्य पदार्थों में मिलावट और बचाव के तरीके। इस इकाई में आप विक्रेताओं द्वारा खाद्य पदार्थों का वजन बढ़ाने के लिए और इसके परिणामस्वरूप मुनाफा कमाने के लिए इनमें की जा रही मिलावट के संबंध में अध्ययन करेंगे। मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीदने से बचने के संबंध में बचाव के तरीके भी दिए गए हैं। 9.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मिलावटी खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान जान सकेंगे, खाद्य पदार्थों में मिलावट के तरीकों की पहचान कर सकेंगे और मिलावटी सामान के खतरों के बारे में उपभोक्ताओं को सलाह दे सकेंगे। 9.1 प्रस्तावना। अनिश्चितताओं से भरे आज के समय में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा निश्चित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों में यदि ऐसे पदार्थ मिले हों जो खाने योग्य न हों, तो उन्हें खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अतः मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से पैदा होने वाले खतरों से बचाव करना बहुत जरूरी है। बेईमान व्यापारी दुकानदार अधिक मुनाफा कमाने के लालच में खाद्य पदार्थों में अनेक अखाद्य पदार्थ मिला देते हैं। जब आप विक्रेताओं द्वारा बताए गए मूल्यों पर ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं, तो आप केवल घटिया किस्म की वस्तु ही नहीं खरीदते, बल्कि खरीदी गई वस्तु की प्रति इकाई पर अधिक धन भी खर्च करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए आप 4 रुपए प्रति किग्रा की दर से ऐसा चावल खरीदते हैं जिसमें न खाया जा सकने वाला अखाद्य पदार्थ मिलाया हुआ है, और चावल में इस अखाद्य पदार्थ की मात्रा 10% है, अर्थात 1 किग्रा चावल में 100 ग्राम। आप पकाने से पहले इस चावल को साफ करेंगे और इस 100 ग्राम मिलावटी पदार्थ को उससे अलग करेंगे। इस प्रकार आपने 4 रुपए केवल 900 ग्राम चावल के लिए खर्च किए हैं। अतः 1 किग्रा चावल के लिए आपके द्वारा दिया गया वास्तविक मूल्य 4.44 रुपए होगा। अतः जब आप घटिया किस्म का कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही अपने पैसों का नुकसान भी करते हैं। आइए देखें मिलावट करने के कौन से तरीके हैं और मिलावटी खाद्य पदार्थों से कैसे बचा जा सकता है। 9.2 खाद्य पदार्थ की मिलावट और इससे होने वाले नुकसान। 9.2 एक मिलावट। किसी खाद्य पदार्थ में अखाद्य पदार्थ मिलाने को मिलावट कहते हैं। एक अच्छी किस्म की वस्तु में घटिया किस्म की वस्तु मिलाना भी एक तरह की मिलावट है। उदाहरण के तौर पर मूंगफली का तेल काफी महंगा है। एक अन्य खाद्य तेल पामोलिन इसकी अपेक्षा काफी सस्ता है। दुकानदार को मूंगफली के तेल में पामोलिन के तेल की कुछ मात्रा मिलाकर इसे मूंगफली के तेल के रूप में बेचने में लाभ दिखाई देता है। एक उपभोक्ता के लिए मूंगफली के तेल और पामोलिन में अंतर कर पाना बहुत कठिन है। अतः विक्रेता उपभोक्ताओं की इस अज्ञानता का लाभ उठाकर बहुत लाभ कमा सकता है। 9.2.2 मिलावट के तरीके और इसके नुकसान। मिलावट तब बहुत आसानी से की जाती है जब एक ही वस्तु की कई किस्में उपलब्ध होती हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट ऐसे अखाद्य पदार्थों से भी की जाती है जो रंग रूप आकार में उस खाद्य वस्तु के ही समान हो। आइए अब हम समझें कि विभिन्न पदार्थों में मिलावट कैसे की जाती है। 9.2.3 खाद्य पदार्थ में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट विभिन्न तरीकों से की जाती है। चावल में सफेद या भूरे रंग के छोटे छोटे पत्थर थोड़ी सी मात्रा में मिला दिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वजन बढ़ाना होता है। ये ऐसे आकार और रंग के होते हैं कि चावल साफ करने के बावजूद इन्हें अलग करना कठिन होता है। यदि चावल के साथ ये अखाद्य पदार्थ भी खा लिए जाए, तो इससे हमारे पाचन अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है।
अनेक बार आप यह भी देखते हैं कि चावल, गेहूं, ज्वार आदि खाद्य पदार्थों में घासफूस के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के बहुत छोटे ढेले और अवांछित पौधों के बीज आदि मिला दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि साफ करने पर आप वास्तविक वस्तु में काफी नुकसान उठाते हैं। इस तरह आप कम वस्तु के लिए अधिक धन खर्च करते हैं। बोध प्रश्न एक, मिलावट से आप क्या समझते हैं? दो, मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीदने पर एक उपभोक्ता घोषित मूल्य से अधिक मूल्य अदा करता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तीन, विक्रेता खाद्य पदार्थों में मिलावट क्यों करते हैं? चार, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जिनमें मिलावट करने के बाद मिलावटी पदार्थ पहचाना नहीं जा सकता। 9.2 चार, अन्य वस्तुओं में मिलावट। खाद्य तेल की मिलावट के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे मिलावटी तेल बाजार में बिकते हैं। बिनोले का तेल एक ऐसा अन्य तेल है जो खाद्य तेलों में मिलाया जाता है। जो घी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मिलावट के ऐसे ही खतरे विद्यमान रहते हैं। बाजार में जो घी आप खरीदते हैं, यदि उसमें वनस्पति घी की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो आप एक असली उत्पाद का एक मिलावटी उत्पाद से कभी अंतर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार मक्खन में, जो बड़े शहरों में 75 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है, मिलावट करने के लिए केले और मैदे का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मक्खन पानी डालकर निकाला जाता है। अतः जब आप 75 रुपए खर्च करके 1 किलो मक्खन खरीदते हैं और घर पर इसका घी बनाने का प्रयास करते हैं तो इसमें से मुश्किल से 250 से 300 ग्राम घी निकलता है। आप इस बात का आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि आपका कितना पैसा बेकार गया। इसी प्रकार जो दूध आप खरीदते हैं उसमें बड़ी आसानी से पानी की मिलावट की जा सकती है और आपको इस मिलावट की जानकारी नहीं होगी। बाजार में विभिन्न ब्रांड के तुरंत खाने योग्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बे, मसाले आदि मिलते हैं। इन उत्पादों के सुप्रसिद्ध ब्रांडों का उच्च मूल्य होने के कारण अन्य वस्तुओं को भी इन्हीं ब्रांड नामों से बेचा जा सकता है। सस्ती श्रेणी की वस्तुएं बेचने वाले विक्रेता मानक वस्तु के नाम, आकार, रंग या रूप की नकल कर लेते हैं। यह भी मिलावट का ही एक रूप है। चाय में पहले ही इस्तेमाल की जा चुकी चाय मिलाई जा सकती है और सरसों के पाउडर में मेटानिल येलो METANIL येलो मिलाया जा सकता है जो जहरीला होता है। कॉफी पाउडर में इमली के भुने हुए बीजों का पाउडर मिलाकर मिलावट की जा सकती है। आधा मिलावट के कई रूप हो सकते हैं। मिलावट का मुख्य उद्देश्य मिलावटी खाद्य वस्तुओं को बेचकर बहुत थोड़े समय में बहुत थोड़ी पूंजी लगाकर भारी मुनाफा कमाना है। लेकिन याद रखें, स्वास्थ्य और धन का नुकसान सदा उपभोक्ता को ही उठाना पड़ता है। अतः एक उपभोक्ता के रूप में आपको बाजार से खाद्य सामग्री खरीदते समय सदा चौकन्ना रहना चाहिए। आप शायद जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इन बुराइयों की ओर से बेखबर है? नहीं, हमारे देश के कानून के अधीन किसी भी प्रकार की मिलावट एक अपराध है जिसके लिए सजा दी जा सकती है। लेकिन एक उपभोक्ता के रूप में आपको अपना मामला उचित तरीके से और पर्याप्त प्रमाणों सहित सरकारी एजेंसियों तक ले जाना चाहिए। लेकिन अधिकतर उपभोक्ता इन मामलों में उलझना नहीं चाहते क्योंकि वे समझते हैं कि इसमें समय और धन नष्ट होता है और ऐसे सभी आवश्यक प्रयास करने का कोई उपयोग भी नहीं होता। यह एक गलत धारणा है जो अधिकांश लोगों के मन में रहती है। उपभोक्ता के रूप में उनके मन में डर की दूसरी बात यह है कि विक्रेताओं का वर्ग एक अधिक सुसंगठित दल है और वे अपने खिलाफ कार्रवाई कभी नहीं होने देंगे। यह भी एक गलत धारणा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आप इस संबंध में क्या कर सकते हैं, यह आपको अगली इकाई में बताया जाएगा। 9.3 मिलावट से बचने के उपाय। खाद्य पदार्थों में की गई मिलावट को पहचान पाना एक उपभोक्ता के लिए बहुत कठिन होता है। आधा मिलावट के खिलाफ उपाय करना तथा इससे बचना भी बहुत कठिन है।
तथापि आवश्यक खाद्य पदार्थ खरीदते समय कुछ सावधानी बरत कर आप मिलावट की समस्या सुलझा सकते हैं। 9.3.1 पैक बंद खाद्य पदार्थों की खरीदारी। बहुत से खाद्य पदार्थ पैकेटों में या बंद डिब्बों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए खाद्य तेल, घी, दालें, आटा आदि सभी विभिन्न मात्रा के पैकेटों में उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार इन्हें खरीद सकते हैं। यदि डिब्बे में आपकी आवश्यकता से अधिक मात्रा है तो भी आप इनको एक या दो महीनों जैसी लंबी अवधि तक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप वस्तु की लागत में ही बचत नहीं करेंगे अपितु वस्तु के मिलावट रहित होने के संबंध में भी निश्चिंत हो सकेंगे। ध्यान रखें कि जब आप कोई वस्तु खुली हुई खरीदते हैं तो मिलावट की संभावना ज्यादा होती है। 9.3.2 सुपरिचित दुकान से खरीदारी। बेहतर है कि सामान ऐसी दुकानों से खरीदा जाए जो जानी पहचानी हो और उन दुकानदारों पर आपको विश्वास हो। एक ही दुकान से नियमित खरीदारी करने से विक्रेता और खरीदार दोनों को एक दूसरे पर विश्वास हो जाता है। आधा विक्रेता मूल्य या माप में खरीदार को धोखा नहीं देना चाहता। 9.3.3 सहकारी दुकानों से खरीद। प्रायः सभी राज्यों में सहकारी उपभोक्ता केंद्र अच्छी प्रकार विकसित हो गए हैं। ये उपभोक्ता केंद्र बड़ी संख्या में खुदरा दुकानों की व्यवस्था करते हैं। इनके जनता बाजार, सुपर बाजार, अपना बाजार आदि विभिन्न नाम हैं। ये उपभोक्ता केंद्र थोक बाजारों से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें साफ करते हैं, पैक करते हैं और फिर उपभोक्ताओं को अपनी खुदरा दुकानों केंद्रों के माध्यम से बेचते हैं। यहाँ मिलावट की गुंजाइश कम है क्योंकि यहाँ किसी को व्यक्तिगत रूप में मुनाफा नहीं होता। ऐसे केंद्र सभी राज्यों, बड़े बड़े शहरों और कस्बों में देखे जा सकते हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियां विभिन्न रूपों में भी काम कर रही हैं। उपभोक्ता सहकारी दुकानें अनेक संगठनों जैसे कामगार संगठन या किसी खास बस्ती के लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यहाँ अपनाया जाने वाला सामान्य सिद्धांत है पारस्परिक सहायता से अपनी सहायता। समिति को जो लाभ होता है वह सभी सदस्यों में बंट जाता है। इस प्रकार इन मामलों में भी मिलावट की कम गुंजाइश होती है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित नहीं होता। 9.3.4 अन्य प्रकार की खरीदारियां। मिलावट रहित खाद्य पदार्थों से बचने के लिए जहां तक हो सके खाद्य मानक चिन्ह वाली वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। आपको अपनी जरूरत की चीजें अपनी बस्ती शहर की विश्वसनीय दुकानों से खरीदनी चाहिए। व्यापारी अपने ग्राहकों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में बड़े सावधान होते हैं। आधा वे अपनी दुकानों में मिलावटी सामान बेचने का जोखिम नहीं उठाते। यदि उनकी प्रतिष्ठा गिर गई तो उपभोक्ता उनकी दुकान पर नहीं आएंगे जिससे उनकी बिक्री कम होगी और परिणामस्वरूप लाभ भी कम होगा। आधा वे मिलावटी पदार्थ बेचने का जोखिम नहीं उठाएंगे। यद्यपि ऊपर अनेक उपाय सुझाए गए हैं किंतु हर उपभोक्ता को उपलब्ध साधनों और सुविधाओं के अनुसार स्वयं सर्वोत्तम रास्ता चुनना होगा। बोध प्रश्न 5 एक ही वस्तु की विभिन्न किस्मों को मिलाकर बेचना भी मिलावट है। विवेचन करें। 6 मिलावटी सामान की खरीद से बचने के लिए आप जो महत्वपूर्ण उपाय अपनाते हैं उनकी सूची बनाए। 7 जनता बाजार क्या है। जनता बाजारों की वस्तुओं में मिलावट क्यों नहीं होती। 8 मिलावट से बचने में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ कैसे सहायक होते हैं। 9.4 सारांश। खाद्य पदार्थों में मिलावट मुख्यतः वस्तु का वजन बढ़ाने के लिए और अधिक मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। उपभोक्ता को इस मिलावट का पता नहीं चल पाता। मिलावट या तो एक ही वस्तु की विभिन्न किस्मों को मिलाकर की जाती है अथवा अन्य मिलावटी पदार्थ मिलाकर की जाती है। मिलावट से बचने के उपाय हैं पैक बंद सामान खरीदना, सुपरिचित दुकानों से खरीदना या सहकारी दुकानों से खरीदना। 9.5 शब्दावली। मिलावट किसी वस्तु में अखाद्य या निम्न कोटि के पदार्थ मिलाकर उस वस्तु को अशुद्ध या घटिया कोटि का बनाना। सहकारी दुकानें
कामगार संगठनों द्वारा या किसी बस्ती के लोगों द्वारा आपसी सहयोग से चलाई जाने वाली दुकानें, जनता बाजार, सहकारी उपभोक्ता केंद्रों द्वारा चलाए जा रहे खुदरा केंद्र, स्टोर, पैक बंद खाद्य पदार्थ, ऐसी खाद्य वस्तुएं जो उत्पादकों से सीलबंद डिब्बों पैकेटों में प्राप्त होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।